सुबह और हाँ फिर दिन में और हाँ फिर एक शाम को अदन, मुंह पे भी ग्लो आता है। अच्छा उसी का राज है ग्लो का। चाहे आज साले किडनी खराब हो जाए। हाँ खेलने का मजा लेंगे ओए होए तुम्हारे, क्योंकि इनको खेंडा बनाना नहीं आता है, कौन सीखना मैं पड़ेगा सिखा रही हूँ। मेरे को, थोड़ा देना यार। थोड़ा सा मैंने अपने ससुर जी के लिए भी रखा है क्योंकि वो भी मेरी तरह खेंडा बहुत पसंद करते हैं। आप खाएंगे, मैं भी खाऊंगा, दीदी खाएंगी। दीदी खाएंगी? दीदी कहाँ से खाएंगी, चली गई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग अभी उठे हैं और ये देखो अभी आग जलाई जा रही है। उसके बाद चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे और फिर नाश्ता बनाएंगे। नाश्ते में क्या बनाएंगे ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। दोस्तों आग हमारी जल चुकी है, इस वाले आग से गर्म पानी कर रहे हैं और साथ में आग सेकने के लिए जलाई है क्योंकि ठंड भी हो रही है सुबह सुबह। और इसमें अभी मेरी मैडम पानी गर्म कर रही है पीने के लिए। अभी उठे हम लोग, मुंह हाथ नहीं धोए, सीधे किचन में आ रखे हैं। पापा ने अपने लिए चाय बनाई, वो गए छानी में गाय से दूध निकालने। हम थोड़े से लेट हो गए हम, क्योंकि हम आलसी लोग दोनों फिलहाल। वो भी हम लोग आज थोड़े से जल्दी उठे हैं क्योंकि वैसे हम 8 बजे उठते थे जब धूप लगती थी, क्योंकि तब मम्मी होती थी। मम्मी जा रखी फिलहाल ससुराल 2 दिन से, आज शायद वापस आएगी। हो सकता है, पर आज के लिए बोल रहे थे। मैं तो कह रहा था, मैंने कहा 1 दिन लगा रहा, लेकिन मेरी मैडम ने कहा कि 2-3 दिन लगा के आना, कोई बात नहीं, हम लोग हैं यहाँ संभाल लेंगे क्योंकि खाना उनको बन। काफी टाइम हो गया था, हाँ जो गए नहीं थे, परेशान हो गए थे। हाँ और फिर मैंने हाँ बोला कि 3-4 दिन लगा के आना आराम से। आराम से आना, मतलब इतने फायदे दोस्तों शादी करने के बाद कि घर वाले भी आराम से घूम सकते हैं, जहाँ जाए वहाँ जा सकते हैं। सुबह के अभी 7:45 बज चुके हैं। सुबह का मतलब अभी जो नाश्ता करना होता है उसमें हम लोग खेंडाड़ी बनाएंगे, जिसमें हमारी भाषा में लाई बोला जाता है या फिर बाड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमारे यहाँ बोलते हैं खेंडाड़ी। और इनके यहाँ बोलते हैं खेंडाड़ी। वो बनेगा कैसे वो मेरी मैडम आपको दिखाएगी, जरूर बने रहे उसके लिए चैनल में। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा जरूर करे सब्सक्राइब, क्या कहते हो मैडम? जब खेंडाड़ी बन जाएगा तभी बोलूंगी। तो अभी कुछ नहीं बोल रही मैं, बाय बाय। मेरी मैडम ने थोड़ा सा ज्यादा पानी उबाल दिया है, ज्यादा गर्म हो रहा है इसमें, डालूंगी मैं। इसमें तुम थोड़ा सा ठंडा पानी डालो, ज्यादा ठंडा ना हो, और डाल लो। पानी जितना पियो, जितना नहीं मतलब लिमिटेशन होना चाहिए, कम से कम 8-10 गिलास एक दिन, ज्यादा पी। आपको बताया हाँ जब मैं मौसी के यहाँ रहती थी ना, हाँ एक एक सुबह उठती थी ना, एक एक बॉटल पीती थी। है दिन भर एक नहीं, सुबह सिर्फ आधा सुबह 2.5 लीटर की ना, 1 लीटर। 2.5 लीटर की, हाँ 2.5 लीटर की। अबे 2.5 लीटर तो इससे भी कम होता है पागल। थप्पड़ मारूंगी मैं। एक हाँ बॉटल कितनी होती है, बोतल कौन सी छोटी वाली? वाली बॉटल, मतलब हाँ तो बड़ी बड़ी छोटी वाली देखो, वाली? एक 250 लीटर की होती है। हाँ और एक होती है 500 लीटर की होती है, और दूसरी जो होती है जो नॉर्मल पानी की बोतल होती है। हाँ हाँ वही वही हाँ बोल रही मैं। वो पीती हैं पूरा। वो मैं पूरी बॉटल पीती थी सुबह और हाँ फिर दिन में और हाँ फिर एक शाम को। मतलब कुल मिला के 3 लीटर हाँ इनफ होता है एक दिन में। इतना अच्छा होता है ना उस, मतलब पानी पी के अच्छा लगता है, अच्छा होता है इंसान, मतलब अच्छा होता है, शरीर साफ रहता है नहीं और ज्यादा मुंह पे भी ग्लो आता है। अच्छा उसी का राज है ग्लो का। सही है सही है। अब तो मैं भी भयंकर, जो ये दिख रहा है ना ये पूरा, इसको दिन भर इसको निपटाना है, कुछ भी हो के, चाहे साले किडनी खराब हो जाए। ज्यादा पानी पीने से भी किडनी खराब हो जाती है, ओवर अरे होता था। तो लिमिटेशन होना चाहिए, मैक्सिमम 8 से 10 गिलास दिन का काफी होता है। खेंडाड़ी बनाने के लिए जो चीजें लगती है वो यहाँ पे रखी है, ये घी रखा हुआ है, ये आटा रखा हुआ है, और उसमें क्या लगता है यार। और अभी चाय उबल रही है, मिस्त्री आ चुके हैं उनके लिए, है डिम्पल? और क्या लगता है खेंडा बनाने के लिए? शिमाना मत डालियो इसमें। पहले थप्पड़ मारूंगी। अभी हम पानी रख रहे हैं, इसके लिए पानी गर्म करना पड़ेगा। पहले इसके लिए हम पानी करेंगे, पानी डालेंगे, फिर इसमें चीनी डालेंगे हाँ और फिर वो उबलेगा। हाँ उसके बाद हम इसको उबाल के 1 गिलास में पानी निकाल देंगे थोड़ा सा, हाँ और फिर इसमें आटा डालेंगे और उसको मिला के मिक्स करके, और फिर अगर पानी की कमी पड़ जाती है, कच्चा रह जाता है, हाँ तो हम
निकाले हुए पानी को डालते हैं। तो घी कब डालेगा? थोड़ा सा घी अभी डालेंगे हम। हाँ, पानी के साथ? पानी के साथ हैं। थोड़ा सा घी हम जब इसको खेंडेंगे, मतलब मिक्स करेंगे, तब उस टाइम डालेंगे और फिर तब जब खाएंगे तब तो लेंगे। अरे वाह, सही है। अभी चीनी डाली जा रही है, अभी हमारी चाय भी उबल रही है और हम चीनी भी डाल रहे हैं, बस हो जाएगी। ज्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता। गुड़ का अच्छा बनता है वैसे। हाँ, वैसे हम वैसे खंडा गुड़ का बनाया जाता है, लेकिन हम चीनी का बना रहे हैं क्योंकि मेरे को चीनी का बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए हम आज खंडे का मजा लेंगे। ओए हो, तुम्हारी याद आए, इधर देखना, हल्के से चाय बाहर निकल लिया, देख लो जरा। हमारी चाय बन चुकी है और इसको करेंगे बंद और फिर इसको देंगे मिस्त्री को। आपके मिस्त्री यार पता नहीं, इसमें डाल दो, इसमें ठंडा नहीं होगा, बना के भेज देता हूँ मैं। सो गाइस, अब हम इस आटे को इसमें डालेंगे पानी में, क्योंकि ये उबल चुका है ऐसे। मैं इसको मिक्स करेंगे, खूब घुमाना पड़ता है ताकि कच्चा ना रहे। ये हल्का हल्का थोड़ा सा ये पानी डालेंगे, थोड़ा सा घी गरम कर रही थी, अब मैं थोड़ा सा इसमें घी डालूंगी क्योंकि फिर चिपकता नहीं है ये नीचे। मैंने इसमें घी डाल दिया है नीचे नीचे। अभी तक मैं बना रही थी तो मैं थक गई थी, अब तो मेरे पति मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैंने बोला बना लो यार, मेरा हाथ थक गया है, तो अब ये बना रहे हैं। खूब खड़ो यार, ऐसे खूब घुमाओ गोल में। अरे आइडिया ही नहीं है यार मेरे को क्योंकि इनको खेंडा बनाना नहीं आता है, मैं सिखा रही हूँ मेरे को भी मेरे मामी ने सिखाया था, आज मैं इनको सिखा रही हूँ। दर्द हो रही है, दर्द हो रही है मेरा, सोचो तब से घुमा रही हूँ मैं। हाँ, ये देखो, गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो गुड मॉर्निंग, बोलता है जी गुड मॉर्निंग, नहीं बोल रहे, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया आपको, किसने बोला मेरे बेटे को, किसने बोला, अरे 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 किसने बोला, हंस गया। गुड मॉर्निंग, उठ गए, आपने तो बोला था मैं 5 बजे आऊंगा हैं? और दीदी कहाँ है? कल शाम को बोला मैं उठ के आऊंगा। और दीदी कहाँ है? क्यों नहीं आया? और दीदी कहाँ है? दीदी गल में। हाँ। तो आने नहीं उधर। अरे यार इधर नहीं आ रही वाला है सारा सिस्टम। क्यों ऐसे ही खाएगा खंडा? खंडा खाएगा? लाई 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 खाएगा, खाएगा ना। आज टाई जी ने लाई बना रखी है, तो दोस्तों इनके यहाँ लाई बोलते हैं और इसलिए कभी कभी समझ में नहीं आता है लाई, वो लाई उनके लिए बोलते हैं जो लिक्विड होती है थोड़ी थोड़ी, और इसके लिए ये बाड़ी बोलते हैं और बावरी, और हम जौन थारी बोलते हैं इसके लिए खेंडा। तो अलग अलग भाषा होती है सबकी, तो अब मैं भी सीख रही हूँ धीरे धीरे लाई बाड़ी सब कुछ, तो मैं भी खेंडा बोलना भूल जाऊंगी कुछ दिनों में। ये मेरे पति और ये मेरा बेटा लगता है, ये टेस्ट करके बताएंगे कि हमारा बाड़ी कैसा बना, मतलब खेंडा कैसा बना। ओके दोस्तों, हम आपसे बाद में मिलते हैं, जब हम खेंडा खाएंगे फिर आपसे मुलाकात करते हैं। मेरे को थोड़ा देना यार, ज्यादा तो नहीं है। गाइस फाइनली हमारा खेंडा रेडी हो चुके हैं और ये हमने 4 हिस्से लगाए, ये खाऊंगा मैं, ये खाएगा मेरा प्रियांश बेटा, प्रगति मना कर रही है मैं नहीं खा रही, ये खाएगी अपनी मैडम, और इधर पापा के लिए भी रखा हुआ थोड़ा सा। सो गाइस हमारा खेंडा हो चुका है कंप्लीट बना के,
तो हम सब अभी खा रहे हैं और ये देखो छोटा सा बेबी, इसको भी खेंडा खिला रहे हैं हम। कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। और आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सुपर यार, मजा आ गया। ओके, और बेटा आप नहीं खा रहे? नहीं खा रहे? थोड़ा सा खा लो। नहीं खा रहे। अच्छा, तो ये मेरी थाली है और थोड़ा सा मैंने अपने ससुर जी के लिए भी रखा है, क्योंकि वो भी मेरी तरह खेना बहुत पसंद करते हैं, तो मैंने उनके लिए भी रख दिया है। और अब हम शुरू करते हैं खेना खाना। फिर खेना खा के हमें कितना मजा आया ये हम आपको बाद में बताएंगे। अरे अपने आप नहीं खा रहा यार, बस अपने आप क्यों नहीं खा रहा बेटा? बोल, मेरे को ताई जी के हाथ से अच्छा लगता है। ताई जी का हाथ लगता है। गुड गुड, अच्छा बच्चा है ना, है ना? अच्छे बच्चे हो ना आप? अच्छे बच्चे हो ना? बेटे मठा नहीं है, सॉरी आज बनाया नहीं। आजा अंदर, लाई खा रही है? नहीं। आजा यार, बाड़ी बाड़ी खंडा इधर आ। ओए दोस्तों, हम लोगों ने खा लिया है, मीठा ज्यादा हो रहा था तो लेस भी टंगे, तो हम लेस खाएंगे अभी क्योंकि ज्यादा मीठा हो रहा था, तो थोड़ा सा नमकीन हो जाए। क्यों, आपको भी खाना है? ज्यादा मीठा हो गया ना। चलो, टेस्टी था। टेस्टी तो बहुत था, मजा आ गया। मजा आ गया दोस्तों, बहुत मजा आया। अगर आपको भी खाना हो तो पुट्टर जरूर आएगा। मैं बना के खिला दूंगी। यस, फटाफट फटाफट फटाफट। इसका ना मन ज्यादा हो गया है। अरे गुड बॉय, जब इसको खत्म करेगा फिर हम इसको खाएंगे। खोल बेटा, सब खाएंगे। मैं भी थोड़ा सा ना मीठा हो रखा है। गुड बॉय, अच्छा बच्चा है, इसने फिनिश कर दिया। ले यार खोलो, तुम खोलो इसको। इसको खोलो। कौन खाएगा बेटा इसको? हम तीनों खाएंगे। हम तीनों खाएंगे, आप भी खाना। ताई जी भी खाएंगे, ताऊ जी भी खाएंगे, और खाएंगे प्रियांश भी खाएगा। मैं भी खाऊंगा, दीदी खाएंगे। दीदी खाएंगी? दीदी कहाँ से खाएंगी, जब दीदी चली गई। दीदी दीदी को रख देंगे, बोलो हम, है ना? दीदी के लिए हम रख देंगे, ठीक है? ठंडा खा के मेरे को लग रही हिचकी। थैली खोलूंगा, थैली खोलूंगा, थैली थैली रह जाएगी फिर। अब हम करता है इसको शुरू, और आ करो, आ रुको, आ गुड। अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा। एक पीस ओनली, मजा आ रहा। और आपको आ रहा? अच्छा, बहुत सुपर। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।